पार्टी युवा अपनी ताकत का एक प्रदर्शन कर रहे हैं, आगरा में दिखा रहे हैं कि उनकी पार्टी का यहाँ उदय हो चुका है। इस समय हमारे पीछे सैकड़ों की तादाद में जो बाइक हैं वो इशारा कर रही हैं कि पार्टी अपने स्तर के ऊपर उठने को तैयार हो चुकी है। आइए बात करते हैं और जानते हैं आगे की इनकी रणनीति। अध्यक्ष जी, आज बाइक रैली क्यों निकाली जा रही है? जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है उसके लिए आमंत्रण यात्रा है, अमित खुला ने मंत्रा दिया। इसके जरिए क्या आप अपनी ताकत दिखाने का एक प्रयास है आपका? ताकत दिखाने का प्रयास है क्योंकि हम सभी लोगों के पास नहीं पहुँच पाए समय कम था, तो एक प्यार से उनके पास जाकर हमें आमंत्रण दिया और बाकी तादाद में जो युवा वर्ग आपके पास आकर्षित हो रहा है, इसका क्या एक बहुत अच्छा संदेश माना जाना चाहिए? हाँ, बहुत पॉजिटिव रहा है। युवा जो है हमेशा आकर्षित हो रहे हैं, युवा किसी भी संगठन में, पार्टी में या परिवार में एक बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, परिवार की जान होती है, तो युवा आकर्षित हो रहा है। इसका मतलब राष्ट्रीय समाज पार्टी बहुत तेजी से मजबूत हो रही है। आचार्य गौरव शुक्ला, प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय समाज पार्टी से, कल जो राष्ट्र अधिवेशन होने जा रहा है 16 तारीख को सुसदन के अंदर प्रेक्षागृह के अंदर, इसके लिए हम सभी को आमंत्रण रैली के द्वारा यह सूचना देना चाहते हैं कि सभी लोग आए और महादेव जानकर जी को सुने और उनके व्यक्तित्व के बारे में जाने, जिससे कि समाज के द्वारा जितने भी कार्य हो सकते हैं अच्छे से अच्छे, क्योंकि इसका एक ही नारा है, सबका साथ और सबका विकास। सबका जो बात कह रहे हैं जो वो बात यथार्थ में धरातल स्तर पर आप वाकई काम करने के लिए प्रतिबद्ध है या फिर बाकी पार्टी में करें? मैं ये भी शोभा नहीं, ये शोभाजी नहीं होगी, क्योंकि हम युवा मोर्चा के द्वारा हैं और युवा जो होते हैं वो जनशक्ति होती है, जनशक्ति सभी के साथ मिलकर के काम करने वाली होती है और प्रतिदिन सभी के साथ एक साथ होकर के जो उनके मांग होते हैं उनको प्रदर्शित करना होता है। समाज से नेता करता है, क्या परिवर्तन बहुत अच्छा ही रहा और थोड़ा उतार चढ़ाव बड़ा जीवन होता है इसके अंदर, क्योंकि नेता का कर्तव्य एक अलग होता है और समाज सेवी का नेतृत्व अलग होता है। वो मोर्चा का फल लगा रहे हैं और आज हम कहीं मोर्चा को खाली कर रहे हैं क्योंकि हमारे सौर्य स्थापना करने पाई जा रही है, हम लोग भगवान ठाकुर चौराहे से कर्ता पुरस्त चौराहे के लिए प्रस्थान करेंगे और यही आशा है कि आगरा की जनता और आगरा के लोग हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं और आगे के भविष्य के लिए हमारे पास मायदान। जो राष्ट्रीय समाज पार्टी की ये जो रैली है ये यहाँ भगवान टॉकी से प्रारंभ होकर आपके प्रतापपुरा जाकर खत्म होगी। अब देखते हैं कैसे वादे किए जा रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास, कितने इस वादे पे कितना खरे उतरते हैं, खरे उतरते हैं आगे। Hare Krishna!
क्या आप ये माने कि आगामी विधानसभा के आने के उपलक्ष्य में आप अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं आगरा में? बिल्कुल तैयार कर रहे हैं, जमीन तैयार कर रहे हैं। क्या क्या मूर्त रूप किस तरीके से देने की आपकी योजना है? आगे जमीन स्तर पर किस तरह से आप लोगों को जोड़ेंगे, आकर्षित करेंगे? हमारी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय समाज पार्टी। राष्ट्रीय समाज पार्टी का मतलब है राष्ट्र ही देव, राष्ट्र ही जाति धर्म हमारा, राष्ट्र बने वैशाली भाषा सूत्र। तो हमारी पार्टी का ये पहला उसूल है। दूसरी बात ऐसी है कि हमारी पार्टी के पास तीन सूत्र है, सत्य शोधन, समाज प्रबोधन और राष्ट्र संगठन। इस सूत्र को लेकर हम राष्ट्र को मतलब समाज को प्रबोधन भी कर रहे हैं और राष्ट्र को भी मजबूत कर रहे हैं। और हमारा जो एजेंडा है मेन, राष्ट्र का संपूर्ण विकास तथा समान राष्ट्रीय भागीदारी, ये हमारा एजेंडा। हम महिलाओं की भागीदारी नगण्य रही है, उसके बारे में कुछ बड़ी सही आपने जो कहा कि महिलाओं की जो भागीदारी जहाँ भारतीय नारी की पूजा की जाती है, शक्ति की पूजा की जाती है, उसका उसको बराबरी का दर्जा भी नहीं मिला है और उसको भागीदारी भी नहीं, लेकिन हमारी पार्टी उसको बराबरी का हक देगी। आज एक आमंत्रण है, लेकिन कल हमारा प्रोग्राम है, उनकी स्थापना दिवस है हमारा, इसके उपलक्ष्य में हमने एक खुला आमंत्रण दिया है सभी शहर को आम और खास लोग। क्या कहना चाहोगे, क्या उद्देश्य है इस तरह से निकाली गई रैली? यही उद्देश्य है कि जो बिल्कुल नीचे का तबका है, वो शोषित रहता है, घबराता है कहीं आने से, तो राष्ट्रीय समाज पार्टी उनकी शक्ति है, उनके पीछे खड़ी है, उनको साथ लाने के लिए सारी कोशिश और सारी मेहनत चल रही है। देखिए एक बात है, एक पार्टी के सारे धड़े सारे प्रकोष्ठ मिलके एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे आज आपकी बाइक रैली थी, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि इसके बाद मेन बॉडी की आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग है 2 बजे से। क्या ये हम ये मान के चले कि आप दोनों धड़ों की जो आपसी कलेबाजी है वो स्तर पर आ रही है? नहीं, ऐसी कोई कले नहीं है, ये पता नहीं है किस तरह से आप बोल रहे हैं, ऐसी कोई कले नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी आए हुए, तो उनसे मीडिया वाले मुखातिब होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मीडिया सिर्फ एक दिन में एक प्रोग्राम की कवरेज लेता है, मुखातिब होने के लिए। मैं आपकी बात सही है, लेकिन मीडिया एक दिन में एक पार्टी के एक प्रोग्राम की कवरेज लेता है, आपकी एक पार्टी के दो अलग अलग, जो युवा के ताकत प्रदर्शन अभी हुई बाइक रैली में, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग हो रही है 2 बजे, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए युवा जो है जो मुख्य बॉडी है या जो है उसका एक अंश है, सारी चीजें तो मेन बॉडी करनी है, हमने तो एक छोटा सा काम किया है, जो मेन काम की फिनिशिंग होगी वो प्रेस वार्ता में हमारे राष्ट्रपति अधिकारी होंगे, वो उसको करेंगे।